बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है कस्टर्ड सेवइयां, जिसके लिए सबसे पहले तो मैंने एक फ्राइंग पैन चूल्हे के ऊपर रख लिया है, आंच दरमियानी है। इसमें मैं डाल रही हूँ एक चाय का चम्मच नमकीन मक्खन का। मक्खन पिघल रहा है, इसमें मैं शामिल कर रही हूँ सेवइयां आधी प्याली, जिनको मैंने हाथ की मदद से चूरा कर लिया है। और अब इनको इसमें फ्राई कर लेंगे 2-3 मिनट। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दाई जानब दिए गए सब्सक्रिप्शन के लाल बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लीजिए, ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का अलर्ट सबसे पहले आपको मिल सके। 3 मिनट हो चुके हैं, सेवइयां फ्राई हो गई हैं। अब इस फ्राइंग पैन को साइड पर कर देते हैं। दरमियानी आँच के ऊपर ही एक पैन में मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है, और इसको मैं इतनी देर तक पकाऊंगी कि इसमें एक उबाल आ जाए। दूध उबलना शुरू हो गया है हमारा। अब इसमें डाल देंगे चीनी हस्बे ख्वाहिश, और इसको इतनी देर तक मैं हिलाती रहूंगी कि चीनी इसमें अच्छी तरह से घुल जाए। चीनी दूध में घुल गई है। अब इसमें शामिल कर देनी है सेवइयां, जो पहले से फ्राई करके रखी हैं। और अब इनको हिलाते रहना है और 5 से 7 मिनट तक पकाना है। तकरीबन 7 मिनट हो गए हैं इन सेवइयों को पकते हुए। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ बादाम, छिले और कटे हुए हैं, तकरीबन 10 से 15 बादाम। और इसके अंदर शामिल करना है कस्टर्ड, 2 खाने के चम्मच कस्टर्ड का पाउडर और आधी प्याली दूध की। इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है कि इसमें कोई गुठली बाकी ना रहे, और इसको इसमें धीरे धीरे डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। और अब इसको गाढ़ा होने तक पका लेंगे। ये देखें, ये गाढ़ी हो गई हैं। अब इसको हमने ठंडा करना है, और ठंडा करने के लिए हम इसको फ्रिज में रख देंगे 1 घंटे के लिए। कस्टर्ड सेवइयां हमारी ठंडी हो गई हैं। अब इसकी सर्विंग मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करनी है। कोई क्रिस्टल का ग्लास या प्याला ले लेंगे। सबसे पहले इसके नीचे मैं डाल रही हूँ तुखम्बा लहंगा, यानी चिया सीड, जिनको मैंने भिगो के रखा हुआ था, कस्टर्ड सेवइयां। इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ किशमिश, जिसको मैंने अच्छी तरह से धोया भी है, और इसकी मैंने डंडियाँ भी उतार ली हुई हैं। इसके ऊपर थोड़े से बादाम, स्ट्रॉबेरी जेली, और इसके बाद फिर से ऊपर सेवइयां, इसे जेली, और थोड़े से बादाम, कस्टर्ड सेवइयां अब रेडी टू सर्व हैं। रेसिपी आपको कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मज़ीद झटपट बन जाने वाली मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए।